चलो बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन आजकल डिफिकल्ट है बच्चों। मेसर्स बीसेज देसाई एंड कंपनी अ ट्रेड ऑफ प्लास्टिक टॉयज बच्चों, ट्रेडर बच्चों प्लास्टिक टॉयज हैड 12,000 टॉयज वैल्यूड 3 रुपीज पर टॉयज बच्चों, हैड 12,000 टॉयज एक क्या बच्चों ओपनिंग बैलेंस। हिज परचेज एंड द सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ एंडिंग 31st December 2013, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला जो डेट इसके अंदर आ, ड्यूरिंग द फर्स्ट सिक्स मंथ एंडिंग बच्चों, पहला 6 महीना जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट करते हैं बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब ईयर एंडेड नहीं बोला, खाली बोला पहला 6 महीना एंडिंग, फर्स्ट सिक्स मंथ एंडेड। अब पहला 6 महीना कभी एंड हो रहा बच्चों इसका, 31st December 2013 को, 31st December 2013 को एंड हो रहा बच्चों। ओके लिसन केयरफुल, यहाँ मेसर डिजाइन कंपनी ट्रेड अ प्लास्टिक टॉयज हैड 12,000 टॉयज वैल्यू ₹3 पर टॉयज, 12,000 टॉयज है बच्चों और एक टॉयज का प्राइस ₹3 है, बट डेट नहीं दिया है बच्चों वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का। बट दे गिवन हिज परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सिक्स मंथ, पहला 6 महीना कभी एंड हो जा रहा है 31st December को बच्चों। अब दिसंबर में 6 महीना एंड हो रहा है बच्चों, तो बताओ उसका 6 महीना पीछे क्या क्या रहेगा बच्चों, कहाँ से स्टार्ट हुआ रहेगा, 1st July से बच्चों, बराबर है, चेक कर लो, 6 महीना एंडिंग है बच्चों, दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त एंड देन जुलाई, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना बच्चों, चलिए 1st July को स्टार्ट हुआ रहेगा बच्चों, तो उस लोग का बिजनेस का स्टार्टिंग का भी है बच्चों 1st July, तो ओपन डेट का डेट नहीं दिया बच्चों, बट दे गिव अ हिंट वर्ड द फर्स्ट सिक्स मंथ एंडिंग, पहला 6 महीना एंड हो रहा है दिसंबर में बच्चों, तो 6 महीना एंड हो रहा है, ईयर एंडिंग नहीं है सर, 1st January, अगर जनवरी से दिसंबर तो पूरा इन 12 मंथ रहेगा बच्चों, खाली 6 महीने एंड हो रहा है, दैट वी स्टार्ट फ्रॉम 1st July बच्चों। ओके ओके, व्हाट दे गिवन नेक्स्ट, ऑन द 22nd of July दे हैव अ सेल्स 5,000 टॉयज एट द रेट ऑफ 20 ईच, तो हम लोग तो सेल्स का रेट लेते रहे बच्चों। ऑन 23rd July परचेज बच्चों 10,000 टॉयज 15 रुपीज़ ईच, बट द ब्रैकेट बच्चों कैरेज इनवर्ड भी दिया, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड तो मटेरियल को याद है बच्चों, गुड्स ब्रिंग करने के लिए बच्चों, तो लोगों टॉयज ब्रिंग करने के लिए चार्ज करने लगा कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों डेबिट साइड, तो 1,000 कैरेज चार्ज है बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों वेर एवर कैरेज इनवर्ड फ्राइट इनवर्ड ऑक्ट्राय एक्सेट्रा विल बी एडेड बच्चों। बच्चों कैरेज इनवर्ड फ्राइट इनवर्ड ऑक्ट्राय एक्सेट्रा दिया रहता है, उसको क्या करना है बच्चों परचेज में ऐड करने का, ओके ना, ध्यान रखना है। बट बच्चों कैरेज आउटवर्ड फ्राइट आउटवर्ड मस्ट बी इग्नोर्ड, इसको क्या करने बच्चों इग्नोर करने हैं, इसको ध्यान नहीं देने का, ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम को इनको याद है कुछ कैरेज आउटवर्ड का लिखते हैं प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट आइटम कैरेज इनवर्ड फ्राइड इनवर्ड ऑक्ट्राय ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है बच्चों, तो उसको अपीयर करेंगे उसको हम लोग पर्चे में ऐड करेंगे, बट सब में कैरेज आउटवर्ड है फ्राइड आउटवर्ड है ये सब इग्नोर, क्योंकि सब किसका आइटम है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस को कंसिडर करता है। ओके बच्चों, देन अगेन 25th October को सोल्ड है बच्चों, तो सेलिंग प्राइस का रेट लेंगे नहीं हम लोग, 26th October बच्चों अगेन परचेज है बट कैरेज इनवर्ड दिया बच्चों, हाँ कैरेज इनवर्ड। देन बच्चों ऑन 31st December सेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द स्टॉक ऑन 31st December का बच्चों विद द फीफो मेथड एंड वेट एवरेज, तो इस समय बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों और एक कैरेज वाला वर्ड है बच्चों। ओके बच्चों कैरेज इनवर्ड फ्राइट इनवर्ड ऑक्ट्राय ओके जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम का रहेगा कुछ बच्चों, तो उसको परचेज के टाइम में ऐड करना है,
देखिए कैरेज आउटवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड ये सब दिया था, उसको इग्नोर करना है बच्चों, ठीक है। चल बुक्स ऑफ दिस आए बच्चों, वैल्यूएशन स्टॉक अंडर द फीफो मेथड। पहला बच्चा अपना ओपनिंग बैलेंस दिया, क्या करेंगे ओपनिंग बैलेंस कौन से डेट को बच्चों, 2013 फर्स्ट जुलाई, राइट बच्चों। ओपनिंग बैलेंस वी विल राइट 12,000 ट्वाइस, 3 रुपए का रेट है बच्चों। तो आ गया बच्चा आपका फर्स्ट, ओके। अब 22 जुलाई को डायरेक्टली सेल है बच्चों, 22 जुलाई सेल है, कहाँ लिखेंगे हम लोग, इशू कॉलम में बच्चों। कितना है 5,000 ट्वाइस या 20 रुपीज़ ईच, बट 20 सेलिंग प्राइस लेते नहीं बच्चों हम लोग, 5,000 ट्वाइस। तो जो बैलेंस है उसमें से सोल्ड करेंगे हम लोग 5,000 ट्वाइस, कौन सा रेट पे लेंगे, 3 रुपीज़, तो 15,000 बच्चों, ओके। आउट ऑफ 12,000 5,000 सोल्ड हो गया बच्चों, 7,000 बैलेंस, 3 रुपए का रेट बैलेंस था, तो 21,000, ठीक है बच्चों इतना। चलो तो पहले ओपनिंग बैलेंस था, आउट ऑफ दैट ओपनिंग बैलेंस 5,000 यूनिट सोल्ड। ना 23 जुलाई दे हैव परचेज बच्चों, 23 जुलाई परचेज किया बच्चों। अब परचेज किया बच्चों कैसे करेंगे, इसमें कैरेज भी दिया बच्चों, हाँ तो ध्यान से सुनो, था मैं वर्किंग नोट करता बच्चों। परचेज कितना दिया बच्चों, परचेज 10,000 ट्वाइस एट द रेट ऑफ 15 ईच दिया, 10,000 ट्वाइस इंटू 15 ईच, तो कितना आ गया बच्चों, 1,50,000 हो गया बच्चों, ठीक है। 1,000 इंटू 15 बच्चों, तो 1,50,000 बच्चों। इसमें क्या करना, प्लस कैरेज बच्चों, तो कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड कितना बच्चों, 1,000 रुपीज़ गिवेन। ये 1,000 टोटल है बच्चों, हाँ 1 टॉयज का नहीं, हाँ 15 रुपये का टॉय है, उसका भाड़ा 1,000 रुपये एक करेगा, 1 टॉय 15 रुपीज़ का बच्चों, एक खिलौना 15 रुपये का, उसको लाने का 1,000 रुपये भाड़ा, 15 रुपये का खिलौना 1,000 रुपये भाड़ा, इज इट प्रैक्टिकल, नो। तो 1,000 रुपये टोटल लगा बच्चों, तो टोटल कितना आ गया बच्चों, 1,51,000, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करना है, पहले पर जितना भी टॉयज दिया पर्चे बच्चों, उसका रेट से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कैरेज इनवर्ड, फ्राइड इनवर्ड, ऑफ ट्राइड रहा तो उसको क्या करना है, ऐड कर दो, ठीक। अब देखो कैसे लिखते बच्चों, हम लोग परचेज कितना क्वांटिटी था बच्चों, 10,000 ट्वाइस ना, अमाउंट में लिखो बच्चों, अब रेट मत लिखना 15 रुपये, अमाउंट लिखो पहले 1,51,000, ठीक है बच्चों। आप इसको रेट निकाल सकते हो बच्चों, यहाँ पे साइड में डिवाइड करके 1,51,000 upon 10,000, तो रेट कितना आएगा बच्चों, 15 रुपीज़ 10 पैसे, ये ना बच्चों 1,51,000 हो गया, और 10,000 टॉयज था, उसको डिवाइड करके अपना रेट आ गया 15 रुपीज़ 10 पैसे, ठीक है बच्चों, 15 रुपीज़ 10 पैसे। अच्छा फीफो मेथड कर रहे बच्चों, तो पहले से मेरे पास कितना लॉट था, 7,000, 3 रुपीज़ का रेट है, न्यू लॉट आ गया बच्चों अपने पास 10,000 का, 15 रुपीज़ 10 पैसे, 1,51,000, तो 172, ये पॉइंट समझा बच्चों, कैसे किया उन्होंने, कैरेज इनवर्ट दिया, तो अरे पहले टॉयज का टोटल अमाउंट निकालो परचे प्राइस, और प्लस कैरेज को ऐड कर दो बच्चों, देन उसका रेट करने के लिए डिवाइड कर दिया, तो आ गया रेट बच्चों अपना, ओके। देन बच्चों 25th अक्टूबर को सेल है, 25th अक्टूबर सेल, हाउ मच सेल बच्चों, 8,000 ट्वाइस एट द रेट ऑफ 24 ईच, इसका रेट तो लेते नहीं बच्चों, बट 8,000 ट्वाइस है, कैसे करेंगे 8,000 ट्वाइस बच्चों, फीफो मेथड अपना, तो पहले वाले में से 7,000 ट्वाइस और 1,000 कम पड़ा तो दूसरे वाले में से ना बच्चों, 8,000 चाहिए ना हम लोगों, तो पहले वाले में से 7,000 और 1,000 विल बी शॉर्ट, दैट विल गो फॉर द सेकेंड लॉट, फर्स्ट लॉट 3 रुपीज़, सेकेंड लॉट 15.10,
पहला लॉट पूरा ख़त्म बच्चो, दूसरा लॉट में से 1000 गया, स्टिल 9000 क्या बच्चो, तो 1,35,900 ठीक है बच्चो। 2 decimal 20 अगेन 0, 9 9 59 135 चलो बच्चों, अगेन 26 अक्टूबर को परचेज है बच्चों, 26 अक्टूबर वापस फिर से बच्चों कैरेज का समय परचेज, कितना परचेज बच्चों 12,000 टॉयज एट द रेट ऑफ 18 ईच, 12,000 टॉयज इंटू 18 ईच, ट्वेल्व एट जा 96 9, 12 वन जा 12 और 9 21, 2,16,000 क्यों चो एंड प्लस कैरेज, कैरेज दिया बच्चों 1200 रुपीज़ कैरेज इनवर्ड, तो 2,17,200 बच्चों। ओके, तो कभी परचेज दिया तो कैरेज फ्राइड क्या करना बच्चों, उसके अंदर ऐड कर देना है। तो मेरा बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, तो पहले 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 2 36 3 18 3 21, अभी 2,17,200 बच्चों डिवाइड बाय 12,000, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों 18.10 आने वाला है, दैट इज 18.10 बच्चों। 20 कैंसल, 12 1 12 9 97 12 96 1 12 1 12 18.10 बच्चों। चलो बच्चों, तो पहले 12,000 ट्वाइज, एक सेकंड, चलो 12,000 बच्चों, रेट कितना बच्चों 18.10 लिखने हैं, रिमेंबर, और ये अमाउंट है 2,17,200 बच्चों, ठीक है, दैट इज परचेज। वी आर इन द फीफो मेथड, तो पहले तो 9,000 कैरी करो इसको, 15 रुपीज़ 10 पैसे एंड देन बच्चों 12,000 न्यूली परचेज लॉट, 2,17,200 9 1 11 1 12 13 1 4 5 10 तो चलो बच्चे हो गया आपका परचेज। नौ 31 दिसंबर को सेल है बच्चों, 31 दिसंबर सेल, हम लॉट सेल कर रहा बच्चों 13,000 एट 29.8 सेलिंग प्राइस वी आर नॉट कंसीडरिंग, पर 13,000 है बच्चों, कैसे करेंगे अभी, 9,000 पहले का लॉट बच्चों एंड 4,000 न्यू लॉट, राइट, तो 15.10 तो 1,35,900 और बच्चे इसका कितना 18.10 मल्टीप्लाई कर दो, 2 decimal बच्चों 20 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 18 4 72 पहला लॉट पूरा गॉन बच्चों, 12,000 माइनस 4,000 तो 8,000 बैलेंस, 18.10 20 8 1 8 1,44,000 ये था बच्चों। क्या हम लोग को चाहिए था, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 दिसंबर बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक वी नीड, सो क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 कितना बच्चों रुपीस 1,44,800। तो बाकी तो सिंपल था बच्चों, खाली इम्पोर्ट था इसके अंदर एक कैरेज वाला पॉइंट बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, कैरेज को पर कैरेज इनवर्ड फ्राइड इनवर्ड अपट्राइज करना है, ऐड करना है बच्चों, बट कैरेज आउटवर्ड रहता है फ्राइड आउटवर्ड, तो इसको इग्नोर क्यों, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
और फिर बच्चों ये जो रेट आएगा ये न्यू रेट अप्लाई करने हैं आप, यहाँ पर जो हम लोग अप्लाई करेंगे न्यू रेट, ठीक है बच्चों। ये तो अभी फीफो मेथड हुआ, वैसे वेटेज एवरेज भी करना है। अब लेट्स कम बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है वेटेज एवरेज का, तो सिंपल है बच्चों, ये सब तो सेम पॉइंट रहेगा। पहला था ओपनिंग बैलेंस बच्चों, 1 जुलाई को क्या था, 5000 यूनिट था बच्चों, सॉरी 12000 यूनिट था एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर टॉयज, ओके दिस ओपनिंग बैलेंस बच्चों। दिन था बच्चों क्या, ऑन द 22nd जुलाई सेल बच्चों, 22nd जुलाई सेल, सेल कितना यूनिट है बच्चों, 5000 टॉयज है, कौन सा रेट लेंगे हम लोग, 3 रुपीज, तो 15000 बच्चों, आउट ऑफ 12000 5000 सोल्ड, 7000 बैलेंस बच्चों, 21000, ओके बच्चों। तो ये तो नॉर्मल था पहला। नाउ बच्चों 23rd को परचेज कर रहा है, 23rd परचेज बच्चों, ओके एंड द कैरेज इनवर्ट दिया बच्चों, तो वी हैव ऑलरेडी डन द वर्क इन नोट पार्ट बच्चों। 23rd जुलाई परचेज कितना टॉयज है बच्चों, 10000, बट रेट कौन सा लिखेंगे बच्चों, 15 रुपीज़, और वो कैरे ये वाला भी बच्चों ये रेट अप्लाई करेंगे आफ्टर कैरेज इनवर्ट का, देखिए बंदा 15 रुपीज़ बच्चों, और वन था कैरेज इनवर्ट था ना, तो हमने क्या ना वर्किंग नोट 15.10। अब कैसे करते बच्चों वेटेज एवरेज में, हम लोग क्वांटिटी क्वांटिटी ऐड करना है ना, तो 7000 प्लस 10 सो 17000, 21 और ये 172000 बच्चों, ओके क्वांटिटी ऐड अमाउंट ऐड, अब 172000 डिवाइड बाय 17000 बच्चों, तो जिससे बच्चों 10.12 आ रहा बच्चों, 10.12। चलो बच्चों दिन क्या है, 25th अक्टूबर को सोल्ड हो रहा बच्चों, 25th अक्टूबर सोल्ड कितना है, 8000 टॉयज बच्चों, तो वेटेज एवरेज कोई टेंशन ही नहीं है, 10.12, 2 डेसिमल 20 कैंसल, 8 2 16 1, 8 1 8 एंड 1 9 80000। क्या करेंगे बच्चों, 17000 माइनस 8000, 9000 बैलेंस लेफ्ट, और अमाउंट लेस करना है क्यों बच्चों, 40 0 1 इधर बच्चे बच्चों 79 तो 9170 172 तो 91040 हो गया बच्चों, इसका रेट अप्लाई कर दो, 91040 अपॉन 9000, वन सेवेंटी टू माइनस 80960 अपॉन 9000, जिसका हम बच्चों 10 रुपीज़ 12 पैसे नॉर्मल सेल के टाइम में सेम। फिर क्या बच्चों, 26 अक्टूबर अगेन परचेज है बच्चों, 26 अक्टूबर परचेज कितना परचेज बच्चों, 12000 ट्वाइस एट द रेट ऑफ 18 ईच है बच्चों, बट 1200 रुपये कैरेज का था बच्चों, तो 1200 रुपये कैरेज का ऐड कर दिया था उन्होंने, तो क्या रेट बन गया था, 18.10, तो 217200, ठीक है बच्चों। तो बच्चे ये पॉइंट सेम है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर क्वांटिटी ऐड कर दो बच्चों, तो 9000 12000 21 अमाउंट ऐड कर लो, 42 178 930 ये आ गया बच्चों, तो 217200 प्लस 91040 308240 बच्चों अपॉन 21000,
इट कम बच्चों 14.68। एंड लास्ट में बच्चों 31 दिसंबर को अगेन सेल है। 31 दिसंबर 13,000 यूनिट सोल्ड, रेट है 14.68। इट विल कम 190,840 बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, सेल है तो क्वांटिटी लेस, 21 माइनस 13 तो 8,000 बैलेंस लेफ्ट। ठीक है बच्चों, अमाउंट लेस कर दो, माइनस 3,08,240, 1,17,400 अपॉन 8,000, 14.68 बस। क्लोजिंग स्टॉक पूछा बच्चों, फीफो मेथड में कितना आया था बच्चों, 1,44,800। अभी वेटेज में कितना आ रहा है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1,17,400 बच्चों। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर बच्चों, खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला पॉइंट बच्चों। ठीक, कभी हम करेंगे सम फीफो वेटेज का बच्चों, कैरेज फ्राइट ऑक्ट्राई को ऐड करना है। कैसे करेंगे, परचेज का मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, बाद में कैरेज को ऐड कर लो, देन फाइंड द न्यू रेट बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हम लोग, ऑलमोस्ट अब फिनिशिंग टच पे बच्चों, एक सम और बाकी रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा अपना। स्टॉक और मटेरियल ऑन हैंड ऑन स्टॉक का मटेरियल ऑन हैंड ऑन 1st December 2013 वॉज 1300 यूनिट एट 3.50 ईच बच्चों। तो ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। द फॉलोइंग परचेज इशू टुक प्लेस ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट बच्चों। तो परचेज सेल्स है बच्चों, कैलकुलेट द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st December 2013 अंडर द फीफो मेथड बच्चों। ओके तो फीफो मेथड का समय बच्चों, अब क्या क्या अपने पास है बच्चों, देखो परचेज एक साथ दिया है बच्चों और इशू ऑफ क्वांटिटी एक साथ दिया है। अब जब परचेज बच्चों एक साथ देता है और इशू एक साथ देता है बच्चों, तो उसका हम लोग को डेट देखना है। अंकिता जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने डेट का थोड़ा गड़बड़ कर दिया था आज के सामने। अपना परचेज दिया है 2nd December, 4th December, 18th December बच्चों, और फिर बच्चों इधर दिया इशू 6th December, 8th December एंड 15th December बच्चों, दैट इज गिवन बच्चों। ओके परचेज का 3 डेट दिया बच्चों और इशू का 3 डेट दिया, और ऊपर ओपनिंग भी था बच्चों, हाँ 1st December 2013। ओके बच्चों, ये तो कल भी हमने समझ गया बच्चों। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, स्टॉक वेरीफिक उसके नीचे दिया बच्चों, स्टॉक वेरिफिकेशन रिवील्ड, रिवील्ड मतलब बच्चों सोज, जब उन्होंने स्टॉक का वेरीफाई किया रहेगा बच्चों, तो देर इज अ शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट ऑन 17 दिसंबर बच्चों, 25 यूनिट का शॉर्टेज हो रहा है बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी शॉर्टेज आपको लिख के दिया बच्चों, शॉर्टेज लॉस ये क्या लिखते हैं हम लोग, इशू। अब क्या बच्चों, पेपर पे दिख रहा है 200 पीस, लेकिन जब काउंटिंग कर रहे तो 180 पीस ही दिख रहा है, तो इसका तो 20 पीस बाहर गया ना, इशू किया सप्लाई, एक्सेस रहेगा बच्चों एक्सेस, तो इसका मतलब आपने क्या क्या रहेगा, परचेज क्या रहेगा, रिसिप्ट। ओके बच्चों, तो कभी शॉर्टेज लॉस आया तो उसको इशू कॉलम डालना है, एक्सेस रहता तो कहाँ डालते हम लोग इसको, रिसिप्ट कॉलम में। एक्सेस मतलब बच्चों आपके बिल में दिख रहा है 200 यूनिट, देखिए गोडाउन में काउंटिंग कर रहा है तो 250 यूनिट हो रहा है बच्चों, तो 50 यूनिट ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसका तो कहीं से आया रहेगा, रिसिप्ट क्या रहेगा अपने, लेकिन बिल में 200 दिख रहा है लेकिन काउंटिंग करने पे 170 दिख रहा है बच्चों, तो 30 यूनिट कम पड़ रहा है, इसका समझ सप्लाई किया आपने, दैट इज अ इशू। ओके बच्चों, तो इधर दिया बच्चों शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट बच्चों, तो शॉर्टेज को क्या करते हैं बच्चों, इशू के कॉलम लिखेंगे, व्हेन 17 दिसंबर को बच्चों, 17 दिसंबर को शॉर्टेज है बच्चों। ओके रिमेंबर,
अब जब ये बच्चों पर्चे का डेट है इधर इशू का डेट है तब इसको हम लोग को ऑर्डर लिखना पड़ेगा बच्चों नंबर्स। पहला तो 1 दिसंबर का आएगा बच्चों, 1 दिसंबर, फिर 2 दिसंबर, फिर कौन सा आएगा बच्चों, 4 दिसंबर, अब इसके बाद 6 दिसंबर बच्चों, फिर 8 दिसंबर, ओके, फिर 15 दिसंबर बच्चों, फिर 17 दिसंबर, और लास्ट में 18 दिसंबर आएगा, ऐसा आएगा बच्चों, बराबर है। ए डेट वाइज वी हैव टू गिव नंबर्स, पहला 1 दिसंबर, फिर 2 दिसंबर बच्चों, फिर 4 दिसंबर आ गया, 4 के बाद 6, 8, 15, 17 आएगा, लास्ट में फिर 18 दिसंबर, ओके बच्चों, बस यही इंपॉर्टेंट था बच्चों, और एक शॉर्टेज का पॉइंट आ रहा है इसके अंदर बस। चलो बुक्स ऑफ बच्चों कुछ दिया, बुक्स किसका है, देन आर गिवन द बुक्स, स्टॉक लीजिए अंडर द फीफो मेथड। चलो पहला क्या करना बच्चों, ओपनिंग बैलेंस 2013 1 दिसंबर, दे हैविंग बच्चों 1300 यूनिट एट द रेट ऑफ 3.50, 2 decimal 20 कैंसल, 13 0 0, 13 5 65, 6 39 and 6 45, ये आ गया बच्चों ओपनिंग बैलेंस हो गया। अभी क्या बच्चों, सेकेंड परचेज है, परचेज 2 दिसंबर को 500 यूनिट है बच्चों, 4 रुपीस, 2000, फीफो में जगह रहा बच्चों तो सेपरेट वी हैव टू राइट, एंड दिस 500 बच्चों, कितना आ गया बच्चों 6550, राइट बच्चों, और कुछ है नहीं इसके अंदर, ओके मैं तो फास्ट जा रहा हूँ। फिर क्या थर्ड बच्चों, 4 दिसंबर का, 4 दिसंबर 2000 यूनिट है बच्चों, 5.50 ईच, 11,000, अगेन पर्चे बच्चों फीफो मेथड, वी कांट ऐड दैट क्वांटिटी, वी हैव टू राइट सेपरेट, टू थाउजेंड यूनिट 11,000, ओके बच्चों ऐड कर दिए तो 17,550। चलो थर्ड ट्रांजेक्शन हो गया, उसका क्या बच्चों, फोर्थ इशू का है बच्चों, 6 जून, कितना बच्चों 2300 यूनिट्स है बच्चों, 2300, हाउ टू डू बच्चों 2300 यूनिट, उसके लिए पहले कौन सा ऑर्डर, पहले बंडल लेंगे बच्चों 1300 का, अभी भी कितना शॉर्टेज आ रहा 1000, फिर सेकेंड बंडल खोला बच्चों तो उसमें 500 यूनिट आया, फिर कितना कम पड़ा बच्चों और 500 चाहिए, तो थर्ड वाले में से बच्चों कस्टमर ने ऑर्डर किया 2300 यूनिट बच्चों, ओके ओके, बॉस ने बोला भाई फीफो मेथड है, पहले पुराना स्टॉक बेचना बाद में नया स्टॉक बेचना, तो 2300 के लिए पहले मैं ओल्ड स्टॉक फर्स्ट गुनी, फिर 500 के लिए दूसरा गुनी बच्चों, और फिर 500 के लिए तीसरा पार्ट बच्चों, ओके, तो 1300 3 रुपीज़ 50 पैसे, देन 500 4 रुपीज़, एंड देन अगेन 500, 2 decimal कैंसिल, 500, 5525, 27, पहला लॉट गॉन, सेकेंड लॉट गॉन, थर्ड में कितना बैलेंस आएगा 1500, 1500, 15575, 775 and 72, उसके बाद क्या था बच्चों फिफ्थ 8 दिसंबर का 300 यूनिट बच्चों, 8 दिसंबर 300 यूनिट सोल्ड 5.50, 0 3 5 15 1 3 5 15 1 16,
कितना बैलेंस बच्चों 1200। तो 1200 12 66। चलो बच्चों ये भी आ गया। उसके बाद बच्चों क्या है 15 दिसंबर का 6, हमने नंबर डाल के रखा है बच्चों, बस वही करना है। 15 दिसंबर 700 यूनिट बच्चों। ओके रेट है 5.5। 700 35 3 35 3 38। 1200 माइनस 700 कितना बैलेंस बच्चों 500। सो दैट विल कम 2750 बच्चों। ओके बच्चों फिर क्या है 7th शॉर्टेज बच्चों। और देखिए मैन स्टॉक वेरिफिकेशन रिवील, जब उन्होंने स्टॉक वेरीफाई करने क्या रहेगा बच्चों, इट्स रिवील मतलब टू सो दैट देर इज अ 25 यूनिट शॉर्टेज है बच्चों। शॉर्टेज मतलब इशू, एक्सेस था बच्चों तो रिसिप्ट। 17 दिसंबर तो शॉर्टेज को हम लोग इशू कॉलम लिखे बच्चों, कितना यूनिट है 25 यूनिट, रेट 5.50। तो कैसे करेंगे बच्चों 2500 125 एंड 12 137.50 है बच्चों। तो यू कैन राउंड फिगर इसको 138 बच्चों। चलो बच्चों ये कितना आ गया 475। चलो इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों 475 into 5.5। अब बच्चों इधर पे 2612.5 आ रहा है, सर लिख दो 2613। नहीं मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया ना बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली आ रहा था कितना आ रहा था 137.5 आ रहा था बच्चों, तो मैंने 50 पैसे यहाँ पे ऐड किया बच्चों। तो अगर एक जगह ऐड करो तो दूसरी जगह लेस करो बच्चों, तो एडजस्ट होएगा। हाँ दोनों जगह ऐड नहीं करना है, या तो आप यहाँ पे 137 लिखो तो वहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे आपने 138 कर लिया बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2612 करूँगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों, आइदर यू कैन डू यहाँ पे अपने ऐड किया ना बच्चों, तो इसलिए वहाँ पे मत ऐड करो। यहाँ मैंने 137 लिया था तो वहाँ पे मैं कितना 2013 लिखता बच्चों, ठीक है। दोनों जगह नहीं ऐड करना है, इट हैव टू बी एडजस्ट। चलो बच्चों ये भी आ गया इतना। 7th के लास्ट क्या है 8 बच्चों, 18 दिसंबर को परचेज वापस। 18 दिसंबर परचेज 400 यूनिट है 5 रुपीज का इंच, बस फिफो मेथड है। 475 क्वांटिटी है बच्चे 5.5, और ये 400 यूनिट फोर सिक्स ट्वेल्व, बस बच्चों देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक कितना का बच्चों रुपीज 4612, ठीक है बच्चों। ये 17 का था, क्या था बच्चों शॉर्टेज था, ये आपके समझने में लिख के रखता बस। यार ना शॉर्टेज आया तो बच्चों इशू कॉलम लिखना है, एक्स आया तो रिसिप्ट कॉलम लिखना है, ठीक है बच्चों। बाकी तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, और जब ये सब परचेज कंबाइन रहेगा सेल्स का सब रहेगा बच्चों, उसका ऑर्डर नंबर लिख लेने का, ठीक है। क्या डेट वाइज लिखना आपको बच्चों, अभी एक आज के समय में मैडम अंकिता जी ने किया था तो डेट गलत की, जब डेट गलत हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा प्लस सम बच्चों। इसलिए जब भी इस तरह का समय तो बच्चों क्या करें रफली या उधर पर इस समय पेंसिल से डेट लिख ले, मतलब ऑर्डर लिख देना बच्चों। ओके कितना मिनट हुआ, तो बच्चों अब हम लोग एक क्लोजिंग स्टॉक का कंप्लीट कर दिया हूँ। नेक्स्ट एक वीडियो में बच्चों हम लोग एक सम करेंगे और थोड़ा अलग टाइप का, उसमें बहुत सारे मिसिंग क्वेश्चन वाले सम है बच्चों, और उसके बाद फिर हम लोग ये चैप्टर को फिनिश करेंगे बच्चों। ओके स्टॉप करेंगे।